नमस्कार दोस्त, मेरा नाम रुपेश और आप देख रहे हैं जनरल पब्लिक सेवा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे बिहार गौ पालन योजना के बारे में। अगर आप इस योजना में अप्लाई करते हो तो आप लोगों को गाय खरीदने के लिए जो है गवर्नमेंट की तरफ से पैसा दिया जाता है। किस प्रकार का पैसा आप लोग को दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, कितने गाय पर कितने आप लोग को मिलता है और कितने दिन में मिलता है या फिर नहीं मिलता है, सारा जानकारी इस वीडियो आप लोग को बताएंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो है आपको हम बता देते हैं कि इसमें जो है कितने गाय पर कितने आप लोग को अनुदान मिलता है। ठीक है, इसमें जो दोस्तों आप अगर इस योजना के अंतर्गत दो गाय खरीदते हो तो जिसमें आप लोग को अनुदान जो है 2,42,000 दिया जाएगा। अगर आप अत्यंत पिछड़ा वर्ग से, अनुसूचित जाति से या फिर अनुसूचित जनजाति से आ रहे हैं तो आप लोग को 1,81,500 रुपया जो वो सब्सिडी यानी कि 2,42,000 रुपया आपको दिया जाएगा। 1,81,000 रुपया आप लोगों को माफ़ किया जाएगा, ये आपको सब्सिडी के तौर पे। बाद बाकी अमाउंट जो बच जाता है वो आपको रिफंड करना पड़ेगा। वो जो अमाउंट आपके पास बचता है वो एक तरीके का लोन हो जाएगा आपके ऊपर। ठीक है, अगर आप इसके अलावा अदर कैटेगरी से आ रहे तो आप लोग को 1,21,000 मिलेगा। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, इसमें जो है दो गाय और 15 और 20 इतना जो है इस योजना के अंतर्गत आप खरीद सकते हो। 4 के लिए 5,20,000 है, 3,90,000 इस कैटेगरी के लिए है जो भी आपको बताएं, और अदर के लिए जो है इसके अलावा जो अदर कैटेगरी है 2,60,000 उन लोगों को सब्सिडी दिया जाएगा। 15 पे 20,20,000 है जिसमें ऑल कैटेगरी को 8,08,000 जो सब्सिडी दिया जाएगा। 20 गाय पे 26,70,000 है और इसमें ऑल कैटेगरी के लिए सब्सिडी जो है 10,68,000 है। तो ज्यादातर जो लोग फोकस करते हैं वो 2 और 4 पे, तो आप लोग देख लीजिएगा इनमें से जो आप लोग को उचित लगे इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन तो दोस्तों इतना आसान नहीं है कि इसमें अप्लाई करके लोन ले लेना। बट अगर आपको नियम शर्त अगर हर एक चीज आपको पता होगा तो आपको 100% मिलेगा। ठीक है, चलिए आपको जो है बताते हैं कि इसमें आप लोगों को लाभ किस प्रकार से लेना है अप्लाई करके। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम ओपन करिएगा, सर्च बार में टाइप करिएगा बिहार डेयरी। ठीक है, बिहार डेयरी सर्च करिएगा और ऊपर में जो लिंक आएगा गव्य विकास निर्देशालय बिहार, इस पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो इसके वेबसाइट पे आ जाओगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। इसका लास्ट डेट जो है दोस्तों वो 15/10/2023 तक है। आज 2/10/2023 है, यानी कि 13 दिन अभी आप लोगों के पास बचा है। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा आप लोग को यहाँ पे ऊपर में क्लिक करना होगा। जैसे इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब आप लोग को रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है, देखिए यहाँ पे आप लोग को एप्लीकेशन का नाम डालना है, मतलब एप्लीकेंट जिसके नाम से आवेदन कर रहे हैं उसका नाम डालेंगे, उसका गार्जियन का नाम यहाँ पे डालेंगे, पति या फिर पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर में से सेलेक्ट करेंगे जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ होगा। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जेंडर को सेलेक्ट करेंगे, मेल है या फिर फीमेल है। डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप आ रहे होंगे। उसके बाद यहाँ से आप लोगों को अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर देना है, जो भी ब्लॉक आप लोग का आ रहा होगा। पंचायत आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, विलेज आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। आधार नंबर इस वाले कॉलम में डालेंगे, फोन नंबर यहाँ पर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जो आप फोन नंबर डालेंगे उसी नंबर पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों कभी कभार क्या होगा कि आपको यहाँ पर ओटीपी नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम कभी कभार साइड में हो जाता है, इस वजह से ओटीपी नहीं आता है, तो आपको ट्राई करते रहना है, ओटीपी आपको आ जाएगा। ठीक है, कभी कभार नहीं आता है, मेरे साथ भी होता है, तो बट वो साइड के एरर से कभी कभार ओटीपी नहीं आने लगता है, तो आप लोगों को कुछ देर के बाद ट्राई करना है। अब आपको यहाँ पे जैसे सबमिट पर क्लिक कर दोगे आप लोग का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आप लोग के सामने जो है कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग को मोबाइल नंबर डाल देना है, जो नंबर आप अभी डाल करके ओटीपी गिराए हो, और उसके बाद जो नंबर पर ओटीपी पासवर्ड आया होगा वो पासवर्ड आप यहाँ पे डालोगे और ये कैप्चा इस वाले कॉलम में डालोगे। यहाँ पे डालने के बाद आपको साइन इन टू अकाउंट पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों लॉग इन कर दोगे इस प्रकार का इंटरफेस जो वो आपके पास आ जाएगा। जैसे मैं आपको पहले बोले कि इसमें 2 गाय 4 गाय 15 के लिए और 20 के लिए इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जितने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे हम 4 के लिए करना चाहते हैं तो यहाँ पे 4 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे 4 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो 4 गाय के लिए क्या आपको नियम और शर्त है वो आपको यहाँ पे इनका जो है गाइडलाइंस वो ओपन हो जाएगा। इनको आप पढ़ के थोड़ा सा समझ लेंगे कि किस कैटेगरी पे कितना अनुदान है, यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद नीचे करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा इस वाले ऑप्शन पे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आप लोगों का फॉर्म जो वो ओपन हो जाएगा इस प्रकार का। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे करेंगे थोड़ा सा, यहाँ से आप लोग को ये वाला शपथ पत्र आप लोग को इस पर क्लिक करके इनको डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है मैंडेटरी है दोस्तों। ये आप जब जाओगे डिस्ट्रिक्ट में वेरीफिकेशन के लिए तो ये आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो इनको भर करके अभी आपको इसको अपलोड भी करना पड़ेगा। तो भरना है कैसे, ऊपर में अपना जिला का नाम डालेंगे यहाँ पे डैश डैश में, उसके बाद आवेदक जो कर रहे हैं आवेदक का नाम ऊपर में डालेंगे, उसका गार्जियन का नाम यहाँ पे डालेंगे आगे में, उसके बाद उसका ग्राम, पोस्ट,
प्रखंड, उसके बाद जिला, ये चीज़ फिल कर दोगे। नीचे में आ जाने के बाद यहाँ पे आप लोग को डैश डैश जो है इसमें बताया गया है इस योजना के अंतर्गत आपने 5 साल पहले या फिर 5 वर्ष अभी तक से 5 वर्ष पहले इस योजना के अंतर्गत आप लोग को लाभ भी मिला है, अनुदान भी प्राप्त किए हैं, तो आप लोग को यहाँ पे 0 लिख देना, ठीक है, मतलब शून्य लिखना है, शून्य लिख देना यहाँ पे, ठीक है। और जो आवेदक कर रहे हैं उनका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे और आवेदक का पहचानकर्ता का सिग्नेचर करवा लीजिएगा, जो अप्लाई कर रहे हैं उनको कोई पहचान रहा है या फिर नहीं पहचान रहा है, ठीक है, तो उनका जो एक गवाह जैसे बोल सकते हैं उसका सिग्नेचर आपको यहाँ पे करवा देना है। बाद जो है आपको उनको स्कैन करके रख लेना है अपने सिस्टम में। फिर से आप यहाँ पे आओगे, नीचे आने के बाद यहाँ पर आप क्लिक कर दोगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे इस प्रकार का फॉर्म जो दोस्तों वो ओपन हो जाएगा। इसमें आप लोग का जानकारी जो है कुछ ऑलरेडी फिल है दोस्तों, जानकारी आप लोग का कुछ जो है ऑलरेडी फिल रहेगा, जो आप रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाले हो वही आपका यहाँ पे जानकारी दिखाएगा, बाद बाकी जो खाली है वो आपको अलग से डालना पड़ेगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि इसमें जो आपको अलग से क्या क्या जानकारी डालना पड़ेगा। आपको जो है यहाँ पे ऊपर अपना थाना का नाम लिखना है, पोस्ट ऑफिस वाले कॉलम में लिखना है, विलेज आपका ऑलरेडी फिल है, पिन कोड आपको यहाँ पे टाइप करना है, मोबाइल नंबर आपका ऑलरेडी यहाँ पे फिल दिखाएगा, आपको यहाँ पे अपना एजुकेशन का लेवल जो वो सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डालोगे, वर्ग अपना सेलेक्ट करोगे कौन कैटेगरी से आप आ रहे हो वो चीज़ यहाँ पर डालोगे, पैसा अभी आप क्या करते हो वो चीज़ अभी आप इसमें टाइप करके लिखोगे, आपके पास वर्तमान में कितने गाय हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, भैंस कितना है वो यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है तो 0 0 डालेंगे, बाछी कितना है तो डालेंगे, नहीं होगा तो 0 डालेंगे, बाछा कितना है होगा तो डालेंगे, नहीं तो 0, बैल की संख्या आपको यहाँ पे टाइप करना है कितना है बैल या फिर नहीं है। यहाँ पे पूछ रहा है कि अभी वर्तमान में आपके पास कोई दूध उत्पादन होता है या फिर नहीं होता है, अगर होता होगा तो वो आप लीटर में टाइप करेंगे कि आपके पास अभी प्रत्येक दिन कितना दूध आपके पास उत्पाद मतलब दूध कितना होता है आपके यहाँ, 10 लीटर, 20 लीटर या फिर 0 लीटर, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे टाइप करेंगे। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि वर्तमान में जो अभी आप दूध आपके यहाँ हो रहा है उसको बेच रहे हैं या फिर नहीं बेच रहे हैं, अगर बेच रहे हैं तो कहाँ पे बेच रहे हैं, नहीं बेच रहे हैं तो सीधा यहाँ पे नो डालेंगे, अगर कहीं बाजार में या फिर किसी एजेंसी को बेच रहे हैं तो उसका नाम टाइप करेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास जमीन टोटल कितना है, ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग टाइप करेंगे, यहाँ पे डिसमिल में टाइप करना है 100 डिसमिल, 150 डिसमिल, 200 डिसमिल, तो यहाँ पे बहुत सारे का मतलब क्वेश्चन जो रहेगा कि ये पूछेगा कि हम यहाँ पे कहाँ तक कितनी जमीन डाल सकते हैं, ठीक है, तो दोस्तों कम से कम जो है 50 डिसमिल डालिएगा, अगर उससे नीचे डालिएगा तो चांसेस कम रहता है, 50 डिसमिल से ऊपर ही डालिएगा, ठीक है। और उनके बाद जो है यहाँ पे चारा उगाने के लिए जो आपके पास कितना एकड़ का जमीन है, मतलब गाय जो है उनका घास उत्पादन करने के लिए कितना खेत है आपके पास वो पूछ रहा है, तो एकड़ में यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 एकड़ डालेंगे, तो 1 एकड़ का मतलब हो जाता है 100 डिसमिल, ठीक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लोगे, यहाँ पे तो हम डाल दिए 1 एकड़, ठीक है। अब यहाँ पे सिंचाई का साधन पूछ रहा है, जो आप खेती कर रहे हो 1 एकड़, 2 एकड़, 5 डिसमिल, वो किस चीज़ से कर रहे हो, आप खुद से कर रहे हो या फिर किसी मशीन के माध्यम से कर रहे हो, ठीक है, तो वो अगर सेल्फ से मतलब खुद से कर रहे हैं तो सेल्फ लिखेंगे, या फिर किसी पंप के माध्यम से या फिर मशीन के माध्यम से अपना खेती कर रहे हैं तो वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, ठीक है। अब नीचे में पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि डैडी से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण आपने ज़िंदगी में कभी लिया है या फिर नहीं लिया है, अगर लिए होंगे तो यस करेंगे, नहीं लिए होंगे तो नो करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि दूध समिति सदस्य हैं या फिर नहीं है, तो अगर हैं तो यस, नहीं होगा तो नो, ठीक है। अब आपको यहाँ पूछ रहा है कि आप जीविका से बिलोंग करते हैं, मतलब आपके घर में या फिर आप खुद जीविका हैं या फिर नहीं है, तो अगर होगा तो यस, नहीं होगा तो नो। दोस्तों ध्यान में अब हमारी बात को सुन लीजिएगा, अब देखिए ये जो अप्लाई तो आप कर दोगे, आपको कॉल भी आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट से, बट ये लोन जो है प्रॉब्लम देगा आपको, वो किस लिए प्रॉब्लम देगा अभी आपको समझाते हैं। जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको 3 कंडीशन दोस्तों दिया जाएगा, हम आपको पहले भी सूचित कर दिए हैं कि वो कौन कौन सा कंडीशन दिया जाएगा। पहले तो आपको ये पूछेगा कि आप दूध समिति सदस्य हैं या फिर नहीं, अगर नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा जो है, अगर आप जीविका से हैं, अगर हैं तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अगर आप इस दोनों में से किसी में भी नहीं हैं तो आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे तीसरा ऑप्शन देगा, तीसरा ऑप्शन में ये कहेगा कि आपको 5 दिन का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो वो चाहिए, तभी जाकर के दोस्तों ये मिलेगा, तो हम आपको बता दिए हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो ये अगर दोनों चीज़ अगर होंगे तो ठीक है, नहीं होगा तो आपके पास तीसरा ऑप्शन ये है कि आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग के लिए पहले ऑनलाइन करना पड़ेगा, ठीक है, अभी जो आपको बताते हैं किस प्रकार से ट्रेनिंग के लिए ऑनलाइन करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ पे ये जानकारी डाल देने के बाद जो है अब आपको यहाँ पे पूछेगा स्वलागत और बैंक ऋण के बारे में, ठीक है। जैसे कि अभी आपको हम बताए हैं कि ये 2 गाय जो है 2,42,000 मिलेगा आपको, तो ये 2,42,000 जो आपको गाय खरीदने के लिए पैसा जो लगेगा, ये पैसा जो है आप खुद अपना जेब से लगा करके गाय कर देंगे या फिर बैंक से ऋण लेंगे, ये चीज पूछ रहा है यहाँ पे, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। स्वलागत अगर आप खुद से लगा रहे हैं तो स्वलागत, अगर बैंक
से लोन लेके खरीदना है तो बैंक ऋण डालेंगे, बैंक का जानकारी यहाँ पे डालेंगे, जो भी बैंक में अकाउंट होगा वो डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट नंबर इस वाले कॉलम में डालेंगे, सबमिट पर सीधा क्लिक कर देंगे। जैसे दोस्तों सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पे मतदाता फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र या फिर ऐसा कोई साक्ष्य डॉक्यूमेंट, मतलब ऐसा कोई प्रूफ करे कि आप रियल में फलाने हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सी भाषा में समझिए कि आपको यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, जिस पे आप लोग को साइन भी होना चाहिए आधार कार्ड पे, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड कर दोगे चूज फाइल करके, जेपीजी हो या फिर पीडीएफ हो, कोई सा भी हो यहाँ पे पेल सकते हो, मतलब डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को जमीन का रसीद जो अपलोड करना पड़ेगा, शपथ पत्र जो आपको हम पहले बोले ये वाला शपथ पत्र आपको यहाँ पे डाल देना है, आवेदक का फोटो जो है आपको इस वाले कॉलम में डालना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड पर क्लिक कर देना है। माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग को ओनली फोटो जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा, टोटल डॉक्यूमेंट केवल आप लोग को फोटो ही जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट को डाल दिया है, अब यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देते हैं। जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो यहाँ पे नीचे में दिखा देगा, आप इसको डाउनलोड भी करके देख सकते हो कि जो चीज़ जहाँ पे मांगा गया है वो चीज़ हम वहाँ पे डाले हैं या फिर नहीं डाले हैं। तो ऊपर में आपको आधार कार्ड, जमीन का रसीद, शपथ पत्र और एक फ़ोटो, केवल इतना ही चीज़ लगता है अपलोड में, ठीक है। तो इतना चीज़ डाल दिए हैं, नेक्स्ट पर आप लोग को सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे, इस प्रकार से तो आप लोग का जानकारी खुल के बाहर आ जाएगा। अरमान से इसको देखना है कि इसमें क्या हम गलत किए हैं, क्या सही किए हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक अगर होगा तो यहाँ पर डिक्लेरेशन दे देना है, फाइनल सबमिट पर आप लोग को क्लिक कर देना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लोग का रिसीविंग जो वो जनरेट होके आ जाएगा बाहर। यहाँ पे दोस्तों आप लोग को दो रिसीविंग निकलेगा, ठीक है। तो दोनों का आपको प्रिंट आउट निकालना है, नहीं तो वहाँ से आप लौट के आ जाओगे डिस्ट्रिक्ट से, जब आपको बुलाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तब, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, उनके बाद जो है ये वाला फर्स्ट जो है आप लोग को प्रिंट आउट करके निकाल के इसको रख लेना है। उसके बाद आप लोग को दोबारा फिर से आप लोग को एक बताते हैं, पहले इसको सेव कर लेते हैं हम इसको दोस्तों। यहाँ से प्रिंट करने के बाद जो है आपको यहाँ पे जनरेट रिसिप्ट पर क्लिक करना है। जब आप जनरेट रिसिप्ट पर क्लिक करोगे तो एक रिसीविंग जो और आपको इस प्रकार से निकलेगा, ठीक है। तो इनको भी आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। तो यहाँ से आपको रिसिप्ट, प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कर दोगे क्लिक, उसके बाद एक रिसीविंग और निकलेगा, इनको भी आपको सेव करके रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसको भी हम सेव कर लेते हैं, क्योंकि ये जो है हमें बाद में वहाँ पर मांगा जाएगा, जब हम जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो ये दोनों रिसीविंग जो है हमसे मांगा जाएगा। तो आपका ऑनलाइन जो दोस्तों यहाँ से ख़त्म हो चुका है। अब आपको सीधा क्या करना है, यहाँ से डैशबोर्ड पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक कर दोगे, डैशबोर्ड पर क्लिक करोगे इस प्रकार का जो है ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको यहाँ से जो है प्रशिक्षण के लिए ऑनलाइन करना है, ठीक है। देखो दोस्तों, आप प्रशिक्षण के लिए अगर नहीं करोगे ना ऑनलाइन तो आपको ये अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अगर आप जीविका से हो या फिर कहीं दूध देते हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो बिना ट्रेनिंग का। बट अगर दोनों चीज़ आपके पास नहीं है तो आपको ट्रेनिंग के लिए आवेदन करना पड़ेगा, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, उसके बाद ही मिलेगा। तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर गव प्रशिक्षण योजना हेतु आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस प्रकार का ऑप्शन जो वो फिर से ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोग का जानकारी जो है वो कुछ ऑलरेडी फिल रहेगा, कुछ आप लोग को अलग से डालना पड़ेगा। जैसे आप लोग को यहाँ पर थाना डालना पड़ेगा, पोस्ट ऑफिस डालना पड़ेगा, उसके बाद पिन कोड, मोबाइल नंबर ऑलरेडी फिल रहेगा। आप लोग को यहाँ से जो अपना एजुकेशन जो है वो सेलेक्ट करना है, वर्ग आपको यहां से सेलेक्ट करना है, पैसा क्या करते हैं वो आपको डाल देना है, गाय कितना है, भैंस कितना है, वो चीज आपको यहां पे डाल देना है। तो यहां पे आपको गाय और भैंस की जानकारी को डाल देना है। प्रशिक्षण के बारे में बताया जा रहा है, तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रशिक्षण आप राज्य के अंदर लेना चाहते हैं या फिर राज्य के बाहर, तो आप राज्य के अंदर ही डालोगे, ठीक है, राज्य के अंदर ही डालिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कोई विशेष योग्यता आपको इस योजना के अंतर्गत, जो अभी आप योजना अप्लाई मारे हो इस योजना या फिर इस सेक्टर के अंदर, किसी प्रकार कोई और विशेष योग्य है आपके पास है या फिर नहीं है, तो यस और नो में आपको जवाब देना है। डैडी संबंधित प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं कभी जिंदगी में, तो आपको यहाँ पे यस और नो में जवाब दे देना है। अब आपको यहाँ पे आप लोग एक आधार कार्ड अपलोड करना है, फोटो अपलोड करना है, डिक्लेरेशन दे देना है, आपको यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका रिसीविंग जो है प्रशिक्षण वाला कुछ इस प्रकार से आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे आपको प्रिंट एप्लीकेशन पे क्लिक करके इनको भी जो आपको प्रिंट आउट कर लेना है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जब आप इनमें अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग के लिए, तो आधार कार्ड जो अपलोड करने के लिए आपको बताए हैं वहाँ पे आपको जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करिएगा, पीडीएफ करिएगा तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, घूर फिर के वहीं पर आ जाएगा। तो आपको वहाँ पर जेपीजी फॉर्मेट में जो है आपको आधार कार्ड अपलोड करना है, जेपीजी फॉर्मेट में एक फोटो अपलोड करना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ डाल करके जैसे सबमिट मारोगे तो इस प्रकार से रिसीविंग आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन पर आपको सिंपल सा क्लिक कर देना है। जैसे आप इनको प्रिंट आउट करके निकाल लोगे, फिर आपको देखिए ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा, तो आप लोग को ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ेगा।
इस प्रकार से जो है दोस्तों आपको आवेदन करना है गौपालन योजना के लिए, ठीक है। अब दोस्तों कहीं पे अप्लाई करने में किसी प्रकार का समस्या है या फिर और किसी प्रकार का सवाल है आपका, तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपको बताना हम भूल गए, अगर आप लोगों को ऐसे ही योजना का अपडेट जो है तुरंत तुरंत चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बस ये दो काम आप लोगों को कर देना है, बाद बाकी का काम जो है दोस्तों वो हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को करते एंड, अपने पूरा वीडियो को वॉच किए हो तो वीडियो देखना आपका तहे तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्त किसी और नई योजना के साथ, कोई और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।